इस भर्ती का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले बताना होगा कि आपके पास आधार कार्ड है या नहीं है, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। अगर आप बिना आधार के आवेदन करना चाहते हैं यानी कि विदाउट आधार कार्ड से आवेदन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सेकेंड पर क्लिक कर देना है। अगर आप सेकेंड पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई डी, पैन कार्ड, 10वीं के सर्टिफिकेट का नंबर, अगर आपके पास ये है इनमें से कोई भी आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद से आपको यहाँ पर उसका आईडी नंबर देना होगा। कैप्चर कोड आपके सामने हर बार नया आएगा, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। सेव पर क्लिक करके आपको यहाँ पर आय का फॉर्म फिल करना होगा। यानी कहने की बात ये है आपको यहाँ पर केवल केवल इस भर्ती में ऑनलाइन मोड से आवेदन करना होगा। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो इंडियन नेवी की ओर से सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी कि भारतीय नौसेना की ओर से नई वैकेंसी आ चुकी है। इस भर्ती में भारतीय किसी भी कोने से आप आवेदन कर पाएंगे, यानी कि इसमें ऑल इंडिया वैकेंसी होगी, यानी कि भारतीय किसी भी कोने से आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि महिला और पुरुष कैंडिडेट भी यहाँ पर इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में आपका जो एज लिमिट रहेगा 18 ईयर से लेकर 32 ईयर के बीच में अगर आप कीजिए तो आप इस भर्ती में आवेदन भी कर पाएंगे। इस भर्ती में सबसे बड़ी बात होगी बिना किसी परीक्षा के यहाँ पर सीधी भर्ती होने वाले, यानी कोई फिजिकल टेस्ट, कोई रिटन एग्जाम आपको यहाँ पर इस भर्ती में नहीं होगा। और जो आपको अपना आवेदन फिल करना है केवल और केवल आपको यहाँ पर ऑनलाइन मोड से आवेदन फिल करना होगा। ऑनलाइन आवेदन भी यहाँ पर इस भर्ती के स्टार्ट हो चुके हैं। आपको यहाँ पर आवेदन किस प्रकार से फिल करना है, कैसे आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, सभी जानकारी आपको वीडियो में दी जाएगी। तो हो सके तो वीडियो कम्प्लीट देखते रहिएगा। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर हम इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो इस भर्ती का रिक्रूटमेंट और उसका नेम रहेगा, इंडियन नेवी की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो, यानी कि भारतीय नौसेना की ओर से यहाँ पर ये भर्ती चलेगी। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो आप इसको यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर सबसे फास्ट अपडेट मिलता है, जिससे कि लेटेस्ट वैकेंसी हुई, लेटेस्ट एडमिट कार्ड हुआ, सिलेबस हुआ, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर समय समय पर प्रोवाइड की जाती है। अगर आप इसको यहां ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं, नहीं तो मैंने आपको उस ग्रुप का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको मन है तभी लाइक करना, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अप्लाई मोड जो होगा केवल और केवल आपको यहाँ पर इस भर्ती में ऑनलाइन मोड से आवेदन करना होगा। हो कैन अप्लाई तो भारतीय किसी भी कोने से आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर जो आप करेंगे ऑल ओवर इन इंडिया, यानी कि पूरे भारत में वो कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 56,100 से लेकर 1,70,500 रुपये पर मंथ तक आपका पे स्केल रहेगा, यानी काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर सैलरी भी दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के एप्लीकेशन फीस की बात करें, यहाँ पर सभी कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री होगा। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल फ्री में आप यहां पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको जहां पर एज लिमिट रहेगा, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1996 से लेकर 1 जुलाई 2002 के बीच में आती है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। जो एज काउंट की जाएगी 1 जून 2021 तक की जाएगी, यानी कि 1 जून को आपकी न तो 18 से कम हो न 32 से ज़्यादा हो। और यहाँ पर आपको जो एज में छूट दी जाएगी वो रूल यहाँ पर इस भर्ती में लागू नहीं होगा, यानी कि एसटी वालों को 5 की जो छूट मिलती है, ओबीसी वालों को यहाँ पर जो 3 की छूट मिलती है वो रूल यहाँ पर इस भर्ती में लागू नहीं किया जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इस भर्ती फिजिकल डिटेल यहाँ पर कुछ भी नहीं होगी, यानी कोई हाइट, कोई वेट, कोई दौड़ आपके इस भर्ती में नहीं होगी, यानी कि रनिंग टेस्ट आपका इस भर्ती में नहीं होगा। अगर आप इस भर्ती का ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, उनके पास ये वाले डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य, फोटो सिग्नेचर, जो आपका फोटो होना चाहिए उसका बैकग्राउंड लाइट कलर का होना अनिवार्य है, एजुकेशन सब डिटेल, डोमिसाइल, कार्ड सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। अगर किसी कारण से आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड नहीं है तो आप इन्हें कोई और आईडी दे दीजिए, उससे भी आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन फिल कर पाएंगे। जो इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, सबसे पहले यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग होगी, यानी जो उनसे आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आवेदन किया जाएगा आपका, उनको वहाँ पर छटनी की जाएगी। आपने यहाँ पर आप जो अपना फॉर्म फिल किया है वो सही किया है या गलत किया, अगर आपने गलत किया है तो आपको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद से आपको यहाँ पर SSB इंटरव्यू होगा, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन रहेगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए फ्रेंड्स आपको हमारी वेबसाइट पर आना होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे ज्वाइन इंडियन नेवी, यानी कि इंडियन नेवी की आप ऑफिशियल वेबसाइट पर है। आपको यहाँ पर बताने कि आधार कार्ड से आप आवेदन करना चाहते हैं विदाउट आधार
आधार कार्ड से आवेदन करना चाहते हैं, अगर आप आधार कार्ड से करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन भी आपको कराना होगा, नहीं तो आप विदाउट आधार कार्ड कर लीजिए, वो सिंपल रहेगा। तो आपको यहाँ पर कोई भी एक आई डी सेलेक्ट कर लेनी है, उसी का आपको यहाँ पर नंबर देना है, उसके ऊपर क्लिक करके आपको एक फॉर्म फिल कर लेना है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं किस प्रकार से आवेदन किया जाएगा तो उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर दिया गया, अब यहाँ से वो वीडियो भी देख पाएंगे किस प्रकार से आपको यहाँ पर अपना आवेदन फिल करना होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर अब से पहले आवेदन इस भर्ती के लिए कर चुके हैं यानी कि रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, तो आपको यहाँ पर सिंपल लॉगिन पर क्लिक करके आयकर फॉर्म फिल कर लेना है। आपको जहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट दिए गए, टोटल 50 वैकेंसी दी गई, टोटल जो पोस्ट नेम होगा आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। एसएससी ऑफिसर के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई, आप यहाँ पर वो भी चेक कर पाएंगे। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए फ्रेंड्स आपको हमारी वेबसाइट पर आना होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप यहाँ पर भी चेक कर पाएंगे। जो द इंडियन नेवी यानी कि इंडियन नेवी की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो इस भर्ती की इंपॉर्टेंट डेट रहेगी यानी कि जो लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए 26 जून 2021 से पहले आपको अपना आवेदन फिल कर लेना है। आपको यहाँ पर सभी जानकारी दी गई है, इस भर्ती को जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर दी गई। अगर आपने बीटेक किया हुआ है 60% अंकों के साथ तो आप इस भर्ती में आवेदन भी कर पाएंगे। जो इस भर्ती की इंपॉर्टेंट डेट रहेगी, जो आपको यहाँ पर रेल इंटरव्यू का एड्रेस होगा उसकी जानकारी भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। इस भर्ती की जो इंपॉर्टेंट डेट रहेगी, ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं, जो लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए 26 जून 2021 से पहले आपको अपना आवेदन फिल कर लेना है। जो आपकी इंटरव्यू की डेट आई हुई है 21 जुलाई 2021 से पहले आपको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि जो इसकी इंटरव्यू की डेट होगी 21 जुलाई रहेगी। जो आपका एड्रेस रहेगा इंटरव्यू के लिए जहाँ पर आपको बुलाया जाएगा, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे, भोपाल, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम, कोलकाता में आपको यहाँ पर कहीं भी बुलाया जाएगा, जो भी आपके नज़दीक हो वही आपको यहाँ पर बुलाया जाएंगे। यानी कि जो आपके इंटरव्यू रहेंगे तो यहाँ पर टोटल 4 जगह पर आपको यहाँ पर इंटरव्यू चलेंगी। सभी जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।